Hi, this is Shivani Singh Parihar. I am the co-founder of Arjoi Fashion. Arjoi Fashion is based on handloom and handcraft products. जी बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है. देन उसके बाद मैं भोपाल आ गई, भोपाल से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ. देन उसके बाद मैंने 4 साल जॉब किया. मेरी जॉब पंडित खुशीलाल में चल रही थी. देन उसके बाद मैं एक स्टार्टअप मीटिंग में गई थी, जहाँ पर मुझे अनिल बोरा सर और साधना बोरा मैम ने बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन दिए, बहुत ज़्यादा गाइडेंस किया कि क्यों ना हम इस पर वर्क करें. तो मेरा भी वहाँ से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, और मेरा जो इंटरेस्ट था वो आपके हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि मुझे ऐसा था अगर मुझे कुछ करना ही है तो क्यों ना हम अपने मध्य प्रदेश की धरोहर पे वर्क करें. और जब बात धरोहर की आती है तो मेरा मन था कि हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट की ओर हम जाते हैं. फिर हमने वहीं से मेरा गाइडेंस स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अनिल बोरा सर और साधना मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा यहीं से पूरा गाइडेंस दिया था. फिर हमने विज़िट करना स्टार्ट किया, हमने साथ साथ ही मध्य प्रदेश की हर जगहों पे जहाँ से ये पूरे हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं, हमने विज़िट करना स्टार्ट किया. और करीब 3 साल के करीब इसमें पूरा टाइम लगा है, क्योंकि पूरी मध्य प्रदेश को विज़िट करना, लोगों से मिलना, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपको भी पता है कि कोरोना के बाद से लोगों के पास बिल्कुल भी काम नहीं था और पैसे की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. तो ऐसा था क्यों ना हम अपने जो महिलाएं हैं जहाँ पर इनको काम आता है, जो हमारे हैंडमेड चीज़ों को बना करके आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं. बिल्कुल, इसमें जो हमारा विज़िट था वो हमारा मध्य प्रदेश का महेश्वर है, बाग है, चंदेरी है, यहाँ पर हमने विज़िट किया कई से, मतलब 2 से 3 बार, 3 से 4 बार हमने इस जगह पे विज़िट किया. और हमारा जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से बनकर आता है. उसके बाद भोपाल आकर के जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे इनका पूरा प्रिंटिंग का काम होता है. यहाँ भी हमारे वीवर्स है जो इस पर वर्क करते हैं. जी बिल्कुल, जो हम लोग प्रिंट करते हैं उसमें आपका पूरा हेरिटेज रिलेटेड प्रिंटिंग है, साड़ियाँ हैं, साड़ियों में अलग अलग प्रकार के प्रिंट होते हैं, लाइक हेरिटेज में या इंडिगो प्रिंट हो गया, खजुराहो टेंपल हो गया, और साथ ही हमने गोंडार प्रिंटिंग को अपने कपड़ों के थ्रू भी दिखाया है. हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी अरजोई फैशन की, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर 2 लाख रुपये से स्टार्ट हुई थी. 100 के करीब लोग वर्क कर रहे हैं, जो हमारे वीवर्स हैं और हमारे आर्टिजन्स हैं. जी हाँ बिल्कुल, आपको तो मैंने शायद सबसे पहले यही बताया था कि मेरा हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट का जो अरजोई फैशन है, इसके अंदर हम हैंडलूम पे जा रहे हैं. हैंडलूम के अंदर हमारे साड़ी है, होम फर्निशिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, साथ ही हमारा जो मेन USP है वो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, ठीक है. और इसके अंदर हमने बेल मेटल के प्रोडक्ट्स भी रखे हैं, जिनकी रेंज स्टार्ट है 500 से लेकर के 50,000 तक की. और साथ ही हम बैम्बू के प्रोडक्ट पे भी वर्क कर रहे हैं. साड़ियों की जो हमारी स्टार्टिंग रेंज है वो 3,000 से है. आपको उसमें अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग फैब्रिक में देखने को मिलेंगे. अभी तो हमारा ऑनलाइन ही है पूरा, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था वो ऑनलाइन पे ही था कि हम ऑनलाइन करेंगे. हमारा इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट्स, आपके टोरंटो, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, इन जगहों पे भी ये एक्सपोर्ट होता है. अरजोई को लेकर के आगे हमारा बहुत ज़्यादा प्लान है, बिकॉज अभी ये ऑनलाइन है तो ऑफलाइन का भी हमने सोच के रखा है. और फिर आप देखते रहिए, बहुत सारे प्लान्स होंगे जो आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे. 10 ओवर जो अभी के टाइम पे है वो हमारा 10 से 20 लाख के पास में ही है.